हमारे देश भारत के राज्य व केंद्र सरकारों को आवश्यकता है कि महिलाओं की रक्षा व उनकी सुरक्षा के लिए सटीक कदम उठाएं, जिससे महिलाएं हमारे देश भारत में घर से बाहर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। हमारे समाज में अक्सर बुद्धिजीवियों द्वारा ये कहावत कही जाती है कि स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कहकर बचपन से उसे डराया जाता है। नारी का सम्मान एक परिवार, समाज, संस्कृति की पहचान होती है। किसी भी देश की उन्नति या उस देश का विकास उस समाज की 50% आबादी की महिलाओं पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। जिस समाज या संस्कृति या देश में महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान अवसर उपलब्ध नहीं करवा जाती हैं, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता है। हमारे देश भारत में आज महिलाओं को बढ़ चढ़ करके विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा मदद मुहैया करवाई जा रही है। हमारे देश भारत की केंद्र और राज्य सरकारों ने अलग अलग संस्थानों के साथ मिलकर के महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर बहुत तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं। आज ये आवश्यकता है कि हम महिलाओं को पुरुषों पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए न सिर्फ उन्हें अच्छे संस्थानों में शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएं, बल्कि हम उन्हें रोजगार के लिए आगे लेकर के आएं। चाहे स्वयं रोजगार क्रिएट करना हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना हो, चाहे विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज में विभिन्न संस्थानों पर महिलाओं की नियुक्ति करनी हो, सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हो। ये कहा जाता है और हर एक व्यक्ति ये महसूस करता है। हमारे देश भारत में महिलाओं के प्रति अपराध तब तक नहीं कम हो सकते हैं जब तक कि महिलाएं स्वयं शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक तौर पर अपने आप को मजबूत नहीं बनाती हैं। तो समय आ चुका है कि हम महिलाओं को हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध करवाएं।